हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज है पापा का तीसरा दिन। तो अभी सुबह की आरती और पूजा हो गई है और आज पापा को भोग में क्या लगता है देखते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज गणपति पापा के लिए खीर बनाई जाए। तो यहाँ पर मैंने ली है चावल, उसको अच्छे से मैंने धो लिए है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अभी मैं इसको चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। आपके पास टाइम है तो आप इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दिए, उसके बाद बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है। आप तेल भी डाल सकते हो, क्योंकि चावल जो है वो एकदम उभर के चावल का जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, तो हम इसमें तेल या घी डालते हैं तो अच्छे से पक जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध, जो बिल्कुल ही मलाई वाला है, क्योंकि इससे हमारी जो खीर है वो एकदम गाढ़ी बनेगी। तो अभी मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक दूध गर्म हो रहा है, मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं, तो मैं फटाफट से आलू को छील के चॉप कर लेती हूँ। जब हम खीर और खीर के साथ में पूरी भी बनाने वाली हूँ, तो खीर और पूरी बनाते हैं तो सब्जी के बारे में ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि खीर और पूरी के साथ अक्सर आलू की सब्जी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे दूध जो है वो एकदम उबल गया है। अभी इस चावल को मैं धीमी आँच पर दूसरे गैस के ऊपर रख दूँगी और यहाँ पर मैं फटाफट से आलू की सब्जी बना लूँगी। तो दूध हमारा उबल गया है, इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। आप जितना मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल दीजिए। और इसको बीच बीच में मुझे चलाते भी रहना है, ताकि ये जो दूध है वो नीचे बैठ ना जाए। और यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। तेल के गर्म होने के बाद राई, हींग और उसके साथ मैंने इसमें आलू डाल दिए है। और अभी हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक जो है वो हमारे टेस्ट के हिसाब से हम डाल सकते हैं। और धीमी आंच पर इससे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो बस इसमें मैंने डाल दिया है पानी। और अभी हम कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसको आराम से पकने देंगे। आराम से मतलब कि 4 से 5 सीटी काफ़ी है इसको पकने में, नहीं तो सब्जी जो है वो जल जाएगी। तो दूध हम बंद कर देंगे, खीर को हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरी का आटा जो है उसको गूंथ देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल दिया है। और तेल जो है वो बिल्कुल ही कम डालती हूँ पूरी में, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा भी ज़्यादा तेल पूरी में लग जाता है तो पूरी जो बन जाती है तब बिल्कुल ही तेल हमारे मुंह में आता है, तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी करके इस तरह से आटा तैयार कर लूँगी। आटा थोड़ा मैंने सख्त रखा है। और अभी मैं बना रहती हूँ खीर। तो यहाँ पे मैंने कुकर को खोल लिया है और इसमें से मैं थोड़े से जो चावल है उसको अलग कर लेगी, और क्योंकि चावल जो है वो थोड़े से ज़्यादा ही मैंने बनाए थे, क्योंकि श्रीध्यान को सब्जी के साथ चावल खाने अच्छे लगते हैं। इसको हमें इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का सा पीस लेना है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इस उबलते हुए दूध में इस चावल और दूध को डाल देना है। और थोड़ी देर के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हमारी खीर जो है बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स या फिर केसर कुछ भी डाल सकते हो। और ये हमारी आलू की सब्जी भी तैयार है, तो इसमें मैं हरी धनिया इस तरह से डाल दूँगी और इसको अभी हम लोग रख देंगे साइड में। तो खीर को मैंने ठंडा करने के लिए पानी में रख दिया है और तब तक मैं यहाँ पे गाजर और हरी मिर्च का इस तरह से संभारा बना लेती हूँ। श्रीधर का काफ़ी फेवरेट है, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये संभारा। तो ये भी हो गया है। अभी मैंने पूरी
इसको इस तरह से बेल लिया है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये हमारे गणपति बापा के लिए जो प्रसाद भोग हमने बनाया है वो बिल्कुल ही रेडी है। तो चलिए हम गणपति बापा के पास इसको ले जाते हैं। ये जो भगवान को लगाया हुआ जो भोग है उसका जो टेस्ट है वो सच में दुगना हो जाता है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और श्रीधान कल से बोल रहा था कि मम्मा गणपति जी के लिए केक बना दे। लास्ट टाइम हम लोगों ने गणपति जी के लिए ब्राउनी बनाई थी, इस बार हम लोग केक बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं केक की रेसिपी। सो फ्रेंड्स, जब भी हमको केक बनाना होता है तो सबसे पहले हमें बटर पेपर का मतलब कि ख्याल आता है कि हमारे पास बटर पेपर नहीं होता है तो केक अच्छे से नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक जुगाड़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह का वाइट पेपर लिया है जिसके ऊपर इस तरह से मैंने मेल्ट किया हुआ बटर लगा दिया है। पूरी तरह से हमें अच्छे से बटर को लगा देना है और ये हमारा बटर पेपर एकदम बन के तैयार है। तो अभी आप किसी भी तरह का केक बनाओ, आपका केक जो है वो बिल्कुल ही कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया है मेल्ट किया हुआ बटर, लगभग आधे कप से थोड़ा कम होगा, और उतना ही मैंने यहाँ पे दही लिया है और एक कटोरी मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ली है। और इसको हमें इस तरह से छान लेना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी को ले सकते हो और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब तक ये हमारा इस तरह का स्मूथ बैटर ना हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो ये रेडी है। अभी हम इसमें रवा डालेंगे। रवा जो है उसको मैंने इस तरह से पीस लिया था, आप चाहे तो बिना पीसे भी डाल सकते हो, लेकिन पीस के इसको जब हम बनाते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से जो गोल है वो तैयार हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है जो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे। तो इस तरह का जो गोल है उसको बनाने में हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रवा सूजी जो है वो एकदम फूलता है। तो जब तक वो अच्छे से सेट ना हो जाए तब तक हमें इसमें दूध डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि वो अच्छे से फूल जाए। पांच मिनट तक हम इसको सेट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा वेनिला एसेंस डालेंगे। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, बिना एसेंस के भी ये काफी टेस्टी बनता है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया है। अभी हमें लास्ट में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना है। इसका नाप से लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब ये थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो जो हमारा केक है वो अच्छे से नहीं पकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/4 बेकिंग सोडा लिया है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेकिंग पाउडर लिया है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इस तरह से दूध डाल दिया है। अभी हल्के हाथों से मुझे इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इस बैटर को हमें ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना है। अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो ये बचा जो दूध है उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी इसमें मैं कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता चिनट्स और थोड़ी सी बादाम है और ये कुछ थोड़े से मैंने काजू को इस तरह से चॉप कर लिया था तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रखे हैं क्योंकि इसको हम ऊपर से भी थोड़ा सा गार्निश करेंगे। अगर आप ड्राई फ्रूट्स की जगह पे जो टूटी फूटी रहती है उसका इस्तेमाल करते हो तो उससे भी केक का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये बैटर जो है अब हम इस पैन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से पूरे बैटर को हमें इस तरह से डाल देना है और इसको हमें हल्का हल्का सा इस तरह से सेट कर लेना है। तो अभी हम इस बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी इसके ऊपर डाल देंगे। इससे लुक भी अच्छा आता है और टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया लगेगा ये केक।
तो ये बिल्कुल ही रेडी है। अभी इसको मैं गैस के ऊपर रख दूँगी। डायरेक्ट हम इसको गैस के ऊपर ही बना रहे हैं, तो गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल ही स्लो रखना है। तो मैंने इस तरह से स्लो फ्लेम पर इसको रख दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से होल है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को लगा के इसको कवर कर लूँगी। अभी 15 से 20 मिनट तक हमें ऐसे ही इसको पकने देना है। और अगर आपके पास इस तरह के जो ढक्कन वाली कढ़ाई है तो आप इसे में बनाइए, ताकि हमें ऊपर से हम देख सकें कि हमारा जो केक है वो अच्छे से पक रहा है या नहीं। क्योंकि छपे केक बनाते हैं तो हम बार बार ढक्कन खोल के देखते रहते हैं, तो केक जो है वो पकने में ज़्यादा टाइम लगता है और अच्छे से पकते भी नहीं। तो अभी 20 मिनट हो गए हैं और ये हमारे केक लग तो रहा है कि पक गई है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह से टूथपिक से या फिर आप चप्पू से भी इसको चेक कर सकते हो, तो ये बिल्कुल ही क्लीन निकली है। तो हमारी केक जो है वो बिल्कुल ही बन के तैयार है। तो ठंडा होने के बाद इस तरह से मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही ईजीली ये निकल गई है, और अभी इस बटर पेपर को हमें अच्छी तरह से निकाल लेना है। अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारी जो सूजी ड्राई फ्रूट्स केक है वो बिल्कुल ही बनके तैयार है, और इस तरह से मैंने इसमें कट लगा लिया है। तो एकदम सॉफ्ट और स्पंजी ये केक बनके तैयार है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हो या फिर ऐसे भी खा लो, और खाने में काफ़ी टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी है। तो अभी हम बिल्कुल भी इसको नहीं चखेंगे, क्योंकि हम इसको गणपति बापा के प्रसाद के लिए लगाने वाले हैं। तो आप भी इस तरह की सूजी ड्राई फ्रूट्स केक ज़रूर से बनाइएगा, और काफ़ी कम टाइम में और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी। के कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रखे हैं, तो मिलते हैं रेडी होने के बाद। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ गणपति जी की आरती के लिए, और आज विरल भी आ गए हैं तो हम लोग साथ में आरती करेंगे। तो चलिए करते हैं गणपति जी की आरती। हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से गणपति महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज गणपति जी के लिए मम्मा ने बनाया है स्पेशल रवा केक, जो बहुत ही ज्यादा स्पंजी सॉफ्ट है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गणपति जी को मुझसे भी ज्यादा बहुत अच्छा लगेगा। तो आज ये गणपति जी का तीसरा दिन, और वैसे तो हम लोग रोज़ गणपति जी के लिए अलग अलग प्रसाद बनाते ही है, लेकिन आज स्पेशल प्रसाद बनाया है गणपति जी के लिए। वो श्रीध्यान का फेवरेट है, तो श्रीध्यान कल से बोल रहा था कि मम्मा गणपति जी के लिए केक बना दे, तो आज हम लोगों ने गणपति जी के लिए रवा केक बनाया। गणपति जी को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अश्मिरा ने रवा केक बनाया है और श्रीध्यान और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ये केक बहुत ही स्पंजी है, मैंने देखा है। गणपति जी को तो अच्छा लगेगा ही, लेकिन हमको ज्यादा अच्छा प्रसाद ही लगेगा। तो और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस हमेशा अपलोड करते हैं, और गणेश महोत्सव के तो स्पेशल सीरीज आने वाली है। तो आई एम श्योर दैट यू मस्ट बी जस्ट आई मीन आल्सो हैविंग अ वेरी ग्रेट टाइम एंजॉयिंग द व्लॉग्स ऑन काश्मीरा शिलु चैनल। थैंक यू।
अभी आरती हो गई थी और अभी हम लोग खाना